हेलो गाइस, मैं सागर हूँ टेक्निकल देसी जाट से, और आज आप सभी के लिए एक मज़ेदार बात लेकर आया हूँ और आपके लिए कुछ नई बातें सिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो भी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करें, या उसमें प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ गए, या अगर प्रोडक्ट में कोई कलर का या साइज़ का फिटिंग नहीं हुआ तो उसे एक्सचेंज या रिटर्न कैसे करें, पेमेंट कैसे करें, एड्रेस वगैरह कैसे दें, साइन इन कैसे करें। सो फ्रेंड्स, ये सब बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, मैं आपको एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के बारे में पूरी डिटेल बता देता हूँ। चलिए, प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं मिस्टर बुने की, जो मैंने पहले इंस्टॉल कर रखी है और इसमें साइन इन भी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें इसका कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अगर इसमें कोई ऑफर चल रहा है तो ये खुद ब खुद बता देगा। और यहाँ से देखिए, मेंस के लिए अलग है, वो मेंस के लिए अलग है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैजुअल शूज, स्पोर्ट शूज, टी शर्ट, जींस। ये तो हम सभी जानते हैं, ये कॉमन बातें हैं कि आप शॉपिंग कैसे करें। काम की बात आपके लिए ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न या एक्सचेंज कैसे करवाएं और पेमेंट कैसे करें, यानी आप इंश्योर कैसे हो कि आपका प्रोडक्ट सही आएगा या आप उसे चेंज भी करा पाओगे। तो इसके लिए भी आपको बता देता हूँ मैं कि आप यहाँ जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं और वो आप प्रोडक्ट आपको मिल जाता है और उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद माय ऑर्डर पर जाइए और अपने, जैसे मैंने ये मंगा रखे, तो आप अगर आपको ये ऑर्डर मान लो मिल गया है, जैसे मैंने ये शूज़ ऑर्डर किया है, तो ये ऑर्डर मिल जाने के बाद आपको ये जो भी वूनिक है, ये आपको 15 दिन तक, ये देखिए रिटर्न पॉलिसी है इनकी, 15 दिन तक कि भाई हाँ, हम 15 दिन तक आपसे शूज़ ले सकते हो वापस। तो आपको ये रिटर्न कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए, आपको जब शूज़ मिल जाएगा या आपने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद ये दो ऑप्शन आएंगे रिटर्न एंड एक्सचेंज के। तो आप अगर एक्सचेंज, यानी आपको वो शूज़ एक्सचेंज में सिर्फ आपको दो ही बेनिफिट मिलते हैं कि अगर आपके फिटिंग इश्यू आ रहा है या आपका शूज़ में इफ़ेक्ट है कोई, वो कटा हुआ है, या वही मिल सकता है। और रिटर्न में आप उसे वापस दे सकते हैं और अपना अमाउंट भी पा सकते हैं। तो आप जैसे रिटर्न करना है तो आप यहाँ से कर दीजिए, या एक्सचेंज करना है तो यहाँ से कर दीजिए। अगर आप इनके बारे में भी नहीं जानते और सिंपल सी बात करके आप अगर रिटर्न या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो सपोर्ट पर जाइए। ये देखिए सपोर्ट, यहाँ पर आपको इनके नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप कस्टमर केयर से संपर्क करके अपना एरिया का पिन कोड और एड्रेस देकर अपने प्रोडक्ट को रिटर्न भी करवा सकते हैं और एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने एक बार अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज में कर दिया है और वो आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं, तो बट ये इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले वो आपका एक्सचेंज ऑर्डर आएगा, उसके बाद उसे आपको मना करना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रोडक्ट रिटर्न होगा और अपना आपका पेमेंट है वो उन्हीं के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर आप इसमें नहीं चाहते तो बैंक में भी उन्हें अपने खाता संख्या बताकर क्रेडिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जानकारी काफ़ी मददगार रही होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।